हाँ अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट का जो चैप्टर है, ठीक है, वो पहली बात जिसको समझना है वो कंटिन्यू क्लास में रहेगा, कोई एब्सेंट किसी दिन एब्सेंट नहीं रही, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि ये दोबारा समझ में नहीं आएगा। दूसरी चीज समझना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास कि हम रट लेंगे, ठीक है, रटने से ये नहीं आएगा, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट, देखो करंट जो होता है वो होता है टू टाइप का, डीसी करंट और एसी करंट, अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट, ठीक है। डीसी करंट है ये होता है टू टाइप का, एक तो यूनिफॉर्म डीसी, एक नॉन यूनिफॉर्म डीसी, ठीक है। डीसी करंट की डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होती, वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होती। कहने का मतलब है कि बाइक की बैटरी है वो छोटी बड़ी हो सकती है, बस की बैटरी छोटी बड़ी हो सकती है, डीसी की जो बैटरी है ना अपने मोबाइल में जो बैटरी होती है वो डीसी करंट की बैटरी होती है, वो आपको डीसी करंट देती है, ठीक है। पावर बैंक आती है वो डीसी करंट ही होता है उसमें, ठीक है, लेकिन उसकी जो मतलब डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होती करंट की, ठीक है। और एसी करंट है इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, एसी की वैल्यू और डायरेक्शन दोनों चेंज होते हैं। कहने का मतलब है कि ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, वाई एक्सिस का माइनस में वैल्यू ये, प्लस में ये, करंट चलेगा ऐसे। ये तो है अल्टरनेटिंग करंट, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, जो ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ठीक है। और डीसी जो है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आता, वो सीधा ही चलेगा, ठीक है। कहने का मतलब वाई एक्सिस के ऊपर मैंने आई की वैल्यू ले ली, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, तो आई की वैल्यू है वो टाइम के रेस्पेक्ट में इस तरीके से चेंज होती रहेगी। और एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम ले लिया टी, मतलब एक्स एक्सिस की जो वैल्यू है वो अब सेंटीमीटर मीटर नहीं रही, वो अब टाइम बन गई, ठीक है। और इस पे जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर मैंने टाइम ले लिया, टाइम के रेस्पेक्ट में इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है आई की, डायरेक्ट वैल्यू चल रही है, ये माइनस में आएगा ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, डीसी, और इसका नाम है यूनिफॉर्म डीसी, यूनिफॉर्म डायरेक्ट करंट। एक होता है नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब वैल्यू चेंज हो रही है डीसी की लेकिन डायरेक्शन है वो चेंज नहीं है, ठीक है। ये होती है नॉन यूनिफॉर्म डीसी, ये होती है यूनिफॉर्म डीसी। यहां तक कोई दिक्कत, कोई भी नहीं पूछेगा एग्जाम में यूनिफॉर्म क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म क्या होती है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी एसी जो है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, ठीक है, 50 से 60 तक इसकी वैल्यू होती है। और डायरेक्ट करंट या डीसी जो है यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म कोई सा भी हो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 0, क्योंकि माइनस में आएगा ही नहीं। फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ साइकिल, तो डीसी में साइकिल होते ही नहीं है, सीधी चलती डायरेक्ट, और इसमें साइकिल होते हैं, ये देखो, तो एक साइकिल का मतलब एसी का एक साइकिल का मतलब ये होता है 1 साइकिल। इसमें जितने चक्कर ये लगाएगा, जितने साइकिल होगा उन साइकिल की संख्या नंबर को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, वो होती है आपकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आपकी जो डीसी है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 0, तो डीसी का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, T=1/0 मतलब इनफाइनाइट, इनफिनिटी, और इसका टाइम पीरियड T=1/50। कहने का मतलब है कि एसी जो है उसका टाइम पीरियड 0 नहीं होता, और इसका 0 मतलब 0 होता है, इन्फिनिटी होता है, कितना भी है इसका इन्फिनिटी होता है, इसका कभी भी 0 नहीं होता, कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। ये है एसी और डीसी से संबंधित बेसिक बातें, एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है, नोट्स में आपको स्टार्टिंग में मिल जाएंगी, ठीक है, ज़्यादा माथापच्ची करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये तो होती है साइनोसोडियल वेव फॉर्म, साइनोसोडियल का मतलब होता है साइन की ग्राफ। एक होती है स्क्वायर, एसी का टाइप है स्क्वायर में इस तरीके से होगी, एसी स्क्वायर की फॉर्म में ऊपर नीचे चलेगी, ठीक है। एक होती है ट्राइंगुलर,
ठीक है ना, ये एसी का टाइप है, ये एसी का टाइप है, ये बीएसी का टाइप है, एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, बेसिक बातें। अब देखो आपने और एक काम किया, आपने एक सर्किल बनाया, सपोज करो सर्किल बनाया आपने, ये एंगल कितना 360 मतलब 2π, इसमें एंगल कितना हाफ साइकिल में π, तो आपका जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसमें ये हो गई वाई एक्सिस, ये होगी एक्स एक्सिस, टाइम जो है वो आएगा एक्स एक्सिस पे, अल्टरनेटिंग करंट की जो वैल्यू है वो आएगी वाई एक्सिस पे, ऊपर की ओर वैल्यू होगी प्लस, नीचे की ओर वैल्यू होगी माइनस, ठीक है। और अल्टरनेटिंग करंट का ये तो होता है हाफ साइकिल और ये होता है कंप्लीट साइकिल, ठीक है। तो हाफ साइकिल में यहां से यहां तक एंगल कितना पाई, यहां तक 2π, यहां तक और यहां पे 3π/2, 4 नहीं 2, ये 0, 90, 180, फिर 270 और फिर 360, 3π/2 होता है या 4 होता है, 2 होता है, 4 नहीं होता, मैथ में तो शायद ग्राफ चलती भी है, ठीक है, नहीं चलती तो आगे आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, कंप्लीट साइकिल में टाइम कितना लगेगा, कैपिटल टी, कंप्लीट साइकिल में, ठीक है। तो एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, कैपिटल टी। तो जीरो से कैपिटल टी तक इसको टाइम लगेगा एक अपना कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करने के लिए। हाफ साइकिल में T/2, यहां पे T/4, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, हाफ साइकिल के लिए टाइम की लिमिट है जीरो से कैपिटल T/2, कंप्लीट साइकिल के लिए इसकी लिमिट है जीरो से कैपिटल T, ठीक है ना। और 1/4 साइकिल के लिए लिमिट कितनी है, T/4, ठीक है। ये बात क्लियर है या नहीं है, कंप्लीट साइकिल का मतलब जीरो से कैपिटल T, हाफ का मतलब जीरो से T/2, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत, इस एंगल वाली बात में कोई दिक्कत, जैसे एसी है उसका हाफ साइकिल का मतलब पाई और कंप्लीट साइकिल का मतलब 2π, ठीक है। हाँ, अब देखो एसी जो है उसकी जो इक्वेशन है, जैसे आपने बोल दिया कि 2 एम्पीयर का करंट है, I=2 एम्पीयर, ये डीसी में हो सकता है, ठीक है ना। तो एसी की जो, एसी का जो जो मतलब इक्वेशन होती है वो I0 sin ωt इक्वेशन से दी जाती है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं इंस्टेनियस करंट, ठीक है ना, इंस्टेनियस करंट। और इंस्टेनियस वैल्यू मतलब जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू क्या होती है, V=V0 sin ωt, ठीक है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, वोल्टेज की वैल्यू एसी की, वोल्टेज की वैल्यू V0 sin ωt और करंट की वैल्यू I0 sin ωt, ठीक है। ये हो गया आपका इंस्टेनियस करंट और ये इंस्टेनियस वोल्टेज, ठीक है। अच्छा, क्लियर, इन दोनों में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसकी एवरेज वैल्यू, यहां से चैप्टर स्टार्ट होता है, एसी की एवरेज वैल्यू, ठीक है, या एसी का जो एवरेज जो इक्वेशन है वो कितनी होती है, एवरेज वैल्यू एसी की हमेशा जीरो होती है, ध्यान रखना। वही कैसे, वो आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो कोई भी एवरेज आपको निकालना है, जैसे आई बार या आई एवरेज, ठीक है, या आई लेस देन ग्रेटर देन, इससे इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके इक्वल में इसका फॉर्मूला होता है जीरो से कैपिटल टी आई डी टी अपॉन जीरो से कैपिटल टी डी टी, ये होता है एसी का एवरेज वैल्यू या एसी की एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू, ठीक है ना। इसको एवरेज बोल दो या आई मीन बोल दो, एक ही बात है, ठीक है, एवरेज बोलो या मीन बोलो, एवरेज और मीन है वो जीरो से कैपिटल टी तक इंटीग्रेशन करोगे, फिर डिवाइड में उसका टाइम इंटरवल आएगा, टाइम इंटरवल मतलब टी माइनस जीरो या डी टी का इंटीग्रेशन जीरो से कैपिटल टी। वोल्टेज का करना है तो वोल्टेज का वी एवरेज इक्वल टू जीरो से कैपिटल टी वी डी टी अपॉन जीरो से टी डी टी,
ठीक है ना। तो एवरेज वैल्यू है वो एक कंप्लीट साइकिल की कैलकुलेट होती है, या दो हाफ साइकिल की, वन कंप्लीट साइकिल या टू हाफ साइकिल, ठीक है ना। उनके लिए जैसे आपके पास टू हाफ साइकिल है तो एक हाफ मतलब एक हाफ साइकिल प्लस दूसरा हाफ साइकिल दोनों को ऐड कर दो, एक कंप्लीट साइकिल बन जाएगा, ठीक है ना। या एक कंप्लीट साइकिल के लिए जीरो से कैपिटल टी तक। अब इसकी आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है कि आई एवरेज है वो कितना होता है, ठीक है ना। अल्टरनेटिंग करंट है उसकी मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू कितनी होती है, तो देखो आई एवरेज इज इक्वल टू जीरो टू टी आई जीरो साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन जीरो से टी डी टी। अरे वो कोई जो क्या कर रहे हो, केड़ा बेच रहे हो, वो थाई क्लास में कोई ना कोई को भाईपो है या कोई ना कोई को भाई लो है भाई, नेपटो आज केड़ा बेचो का, सीधी सी बात है, ब्रांच मैनेजर तो थाना कोई मना होगा नहीं, केला संतरा सेब भाई कोई और ही मान लो कोई भाई हाई फाई हो गो वो कोई गाड़ी खरीद ले और क्या करोगे भाई, गाड़ी खरीद के सब्जी लो सब्जी भाई जिक्र खत्म। कौन कोई को भाई पे कोई खास बात को नहीं है तो ईशा तो मतलब होगा अब बताओ, ठीक है ना। हाँ इसमें से बार क्या आएगा, इंटीग्रेशन तो आते होंगे चल रहे हैं, आई जीरो बार आएगा, इसका इंटीग्रेशन है टी, तो आई जीरो फोन टी लिमिट हो गई, साइन ओमेगा टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन जीरो होता है ध्यान रखना, साइन जीरो से टी साइन ओमेगा टी डी टी इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। इसका जीरो नहीं होता, इसका करते हैं देखो क्या होता है, ऊपर आ गया आई जीरो अपॉन लिमिट मैक्सिमम माइनस, हाँ अब तो मैथ में हो गया ना स्टार्ट, इंटीग्रेशन मैथ में स्टार्ट हो गई ना, हाँ जल्दी बात आवा था ना, जीरो से टी साइन ओमेगा टी डी टी, ठीक है। अच्छा आई जीरो पोन टी जीरो क्यों, बताओ मेरे को पहले जीरो ऐसे कैसे हुआ, जीरो करके बताओ कैसे हुआ जीरो, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन बताओ माइनस माइनस कोस ओमेगा टी, ठीक है, इनटू माइनस कोस ओमेगा टी, खाली इतना ही होता है अपॉन ओमेगा, इंटीग्रेशन में नीचे डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन, ये तो पता होगा माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से कैपिटल टी तक। अब ओमेगा को बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, आई जीरो अपॉन ओमेगा टी, माइनस को बाहर ले लें साथ में क्या दिक्कत है, माइनस आई जीरो अपॉन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी की लिमिट जीरो से कैपिटल टी तक, माइनस आई जीरो अपॉन ओमेगा टी कोस ओमेगा कैपिटल टी माइनस कोस जीरो, कोस जीरो की वैल्यू वन होती है, ठीक है। अब देखो ओमेगा इक्वल टू टू पाई अपॉन टी होता है या नहीं होता, टू पाई एफ होता है ना, टू पाई एफ, एफ इक्वल टू वन अपॉन टी, तो ओमेगा इक्वल टू टू पाई अपॉन टी, एफ इक्वल टू वन अपॉन टी, टू पाई अपॉन टी हो गया, इसकी जगह वैल्यू पुट करो तो क्या आएगा, माइनस आई जीरो अपॉन ओमेगा टी कोस टू पाई अपॉन टी इंटू टी, एंगल के अंदर है ना ये पूरी वैल्यू, माइनस वन टी से टी कैंसिल, कोस टू पाई की वैल्यू, कोस टू पाई की वैल्यू माइनस वन, प्लस वन होती है कोस टू पाई की वैल्यू, कोस टू पाई की वैल्यू होती है प्लस वन, माइनस आई जीरो अपॉन ओमेगा टी कोस टू पाई माइनस वन, इसकी वैल्यू वन होती है ना, तो क्या हो गया जीरो। इसका मतलब आपके पास जो आई एवरेज आएगा वो आएगा माइनस आई जीरो अपॉन ओमेगा टी इंटू जीरो, मतलब आई एवरेज इक्वल टू जीरो, ठीक है। जिनको इंटीग्रेशन नहीं आते वो याद रख लो रट लो, इसके इक्वल में जीरो आता है, बस जिक्र खत्म, ठीक है। इसके इक्वल में जीरो आता है, साइन ओमेगा टी का जीरो से टी तक इंटीग्रेशन है वो हमेशा जीरो होता है। कैलकुलेशन इसकी इस तरीके से होती है, अगर एग्जाम में सीधा करके आओगे तो अगला नंबर काटे या नहीं काटे वो आपकी प्रॉब्लम है, मैंने आपको करके बता दिया, इसके इक्वल में जीरो आता है, ठीक है।
इसके इक्वल में ये स्टेप लिख दो, इसके बाद में ये स्टेप लिख दो, फिर डायरेक्ट आप जीरो कर सकते हो, वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। इसके बाद में डायरेक्ट आप ये स्टेप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक कंप्लीट साइकिल के लिए अल्टरनेटिंग करंट जो है उसकी मीन वैल्यू क्या होती है, हमेशा जीरो। अच्छा, वी एवरेज कितना होगा, वी एवरेज वोल्टेज के लिए जीरो, क्यों कैसे? नहीं वो छोड़ो, डायरेक्शन छोड़ो, इसके बाद इससे बताओ करके, वी एवरेज की वैल्यू जीरो कैसे हुई? भाई आई एवरेज जीरो है तो वी एवरेज जीरो आएगा, कैसे? वी इज इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी, उसमें आई की जगह क्या है, वी, और आई जीरो की जगह वी जीरो, इतना तो मतलब डिफरेंस है, बाकी तो वैल्यू सेम ही है सारी। भाई उसमें क्या है, वी एवरेज में वी जीरो साइन ओमेगा टी, आई की जगह आई जीरो मतलब आई की जगह वी, और आई जीरो की जगह वी जीरो पुट करना है, ठीक है ना। तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए एससी की जो मीन वैल्यू होती है, जो एवरेज वैल्यू होती है, वो हमेशा जीरो होती है, ठीक है ना। प्रूव दैट, ये आपको प्रूव करना आएगा एग्जाम में, दो नंबर का क्वेश्चन, ये प्रूव दो नंबर का एग्जाम में आएगा या आता है, ठीक है। अच्छा, अब हाफ साइकिल के लिए और निकालो, और वो भी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, ठीक है ना, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। मतलब देखो, ये अल्टरनेटिंग करंट की मेन ग्राफ है, जीरो से कैपिटल टी तक होता है कंप्लीट साइकिल, यहां तक हाफ साइकिल, यहां तक वन अपॉन फोर साइकिल, यहां तक थ्री पाई बाई टू, सॉरी थ्री टी बाई फोर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आपके लिए हाफ साइकिल तक आपको आई एवरेज निकालना है, इसका मतलब यहां तक पहुंच गए आप, जीरो से टी बाई फोर टी बाई टू, या टी बाई टू से कैपिटल टी। तो हाफ साइकिल के लिए टी की जो लिमिट है वो आएगी जीरो टू टी बाई टू, या टी बाई टू से कैपिटल टी, ये आएगी हाफ साइकिल के लिए लिमिट, ठीक है। अब आपको जीरो से प्लस टी बाई टू पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आई की एवरेज वैल्यू निकालनी है, कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आई की एवरेज वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो आई बार प्लस टी बाई टू के लिए आपको निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, जीरो से टी आई डी टी अपॉन जीरो से टी डी टी। अभी यहां पे टी नहीं आएगा, अब क्या आएगा, टी बाई टू, टी बाई टू, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आई नोट साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन, आप क्या करोगे, आप डी टी लगाना भूल जाओगे, जब आप एग्जाम में करोगे ना, तो आप यहाँ पे आई जीरो साइन ओमेगा टी अपॉन जीरो से टी बाई टू डी टी, डी टी लगाना भूल जाओगे, पूरा गलत। इंटीग्रेशन किया किसके, देखो आगे, जीरो से टी बाई टू, अब माइनस जीरो, जीरो से साइन ओमेगा टी डी टी, इसका क्या होता है, जीरो, जीरो से टी होता है तब जीरो होता है, टू आई नोट अपॉन टी, क्यों टू पर नहीं जाएगा क्या, तो आई नोट अपॉन टी माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, जीरो से टी बाई टू, टू आई नोट अपॉन टी माइनस बार ओमेगा बार, क्यों कोस टू पाई अपॉन टी इंटू
टी वाई टू माइनस ये वैल्यू कोस जीरो, टी से टी कैंसिल, पाई से टू से टू कैंसिल, देखो ध्यान से, माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा टी, सॉरी ऊपर टू है ना, ओमेगा टी कोस पाई, कोस पाई की वैल्यू माइनस वन, माइनस वन माइनस वन, क्यों कोस जीरो की वैल्यू होती है प्लस वन, माइनस टू इंटू माइनस टू इंटू आई नॉट अपॉन ओमेगा की वैल्यू टू पाई अपॉन टी इंटू टी से टी कैंसिल, टू से टू कैंसिल, क्या आएगी टू आई नॉट अपॉन पाई, ये आ गया आपके पास आई बार एवरेज। बताओ माइनस कहाँ गया, प्लस हो गया ना, माइनस माइनस है, ठीक है, टू आई नॉट अपॉन पाई ये वैल्यू आएगी I बार एवरेज t बाई टू की, या I बार प्लस t बाई टू के लिए, ठीक है। अब 2 अपॉन पाई है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 अपॉन 22 इंटू सेवन, सेवन अपॉन 11, तो I बार प्लस t बाई टू कितना हो गया 7 अपॉन 11 I नोट, इसकी वैल्यू क्या होती है 637 या 636 आई नोट, ठीक है, ये होती है हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू आई की, ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगी आई बार माइनस टी बाई टू क्या हो जाएगी माइनस, ये हो जाएगी नेगेटिव के लिए। यहां तक कोई दिक्कत है? नो दिक्कत, हो जाएगा क्लियर, जीरो दिक्कत, ठीक है। अब देखो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, अल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर की रूट का अंडर रूट जो होता है, ठीक है, मीन जो है ना, रूट मीन स्क्वायर, मीन का स्क्वायर उसका अंडर रूट, ठीक है ना, वो क्या होता है रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, मतलब है स्क्वायर इसका मीन और इसका अंडर रूट, अल्टरनेटिंग करंट का स्क्वायर इसका मीन, स्क्वायर का मीन और ऊपर अंडर रूट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अब आपको आरएमएस वैल्यू निकालनी है किसकी, अल्टरनेटिंग करंट की, तो आई स्क्वायर का बार करना है आपको, मतलब जीरो से टी आई स्क्वायर डीटी अपॉन जीरो से टी डीटी, ये तो हो गया बार, क्यों आई स्क्वायर का बार यही तो होता है, बार मतलब आई स्क्वायर का एवरेज, तो आई स्क्वायर का एवरेज कब निकलेगा जब ये जीरो से टी तक अपना एक साइकिल कंप्लीट करेगा, तो एक साइकिल में जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है इसकी एवरेज वैल्यू, तो जीरो से टी आई स्क्वायर डी टी अपॉन जीरो से टी डी टी और ऊपर इसका अंडर रूट, ठीक है, ये होती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब दोनों तरफ आप स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट कट जाएगा, तो आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू जीरो टू टी आई स्क्वायर डी टी अपॉन टी माइनस जीरो, ठीक है, वन अपॉन टी जीरो से टी आई की वैल्यू क्या होती है आई जीरो साइन ओमेगा टी, तो आई जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, तो आई जीरो स्क्वायर अपॉन टी जीरो से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, जीरो नहीं होगा, आपके नंबर जीरो आएंगे वो चलता है कि माने, मतलब क्या जीरो जीरो दिखा है आ गैस को थे
वन माइनस कोस स्क्वायर ओमेगा टी है, अप्लाई करो आइडेंटिटी, हाँ वन माइनस कोस टू ओमेगा टी अपॉन टू, वन माइनस कोस टू ओमेगा टी अपॉन टू उसका हो जाएगा फिर क्यों, हाँ वन माइनस कोस टू ओमेगा टी अपॉन टू, ठीक है। इसमें आइलेट का जो रूल है वो भी नहीं लगेगा, आइलेट का रूल भी यहाँ पर, क्योंकि u डॉट v का तो होता ही नहीं है, फर्स्ट कॉन्स्टेंट मतलब फर्स्ट बाहर, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, का इंटीग्रेशन u डॉट v यही तो होता है, फर्स्ट बाहर सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस है, पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो ये तो इसमें जो आइलेट का रूल है वो तो यहाँ पे अप्लाई होगा ही नहीं, सीधी सी बात है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का वन माइनस कोस टू ओमेगा टी अपॉन टू, ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। देखो एक मिनट ध्यान से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, देखो कोस टू एक्स इज इक्वल टू होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यार जय सर के पास चल जाओ ऊपर, उनके नंबर ले ले सर के, सर के कोस टू एक्स इक्वल टू होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, आपको वैल्यू चाहिए साइन स्क्वायर एक्स की या साइन स्क्वायर ओमेगा टी की, तो कोस को खत्म कर दो, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अब ये कहां से आया, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन साइन स्क्वायर एक्स, तो कोस टू एक्स इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, अपने को वैल्यू चाहिए साइन स्क्वायर एक्स की, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू बताओ, ये इधर जाएगा ये इधर आएगा, वन माइनस कोस टू एक्स अपॉन टू, एक्स की जगह यहाँ पे क्या है ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू वन माइनस कोस टू ओमेगा टी अपॉन टू, ठीक है, एक्स की जगह मैंने ओमेगा टी पुट कर दिया, ये इस इक्वेशन में यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, आई जीरो स्क्वायर अपॉन टी, जीरो से टी वन माइनस कोस टू ओमेगा टी अपॉन टू डी टी, क्यों अब टू को बाहर ले लेंगे तो आई जीरो स्क्वायर अपॉन टू टी, जीरो से टी वन का इंटीग्रेशन वन डी टी माइनस जीरो से टी कोस टू ओमेगा टी डी टी, क्यों इसका जीरो होता है, कोस टू ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन है वो जीरो होता है, ठीक है, ध्यान से देखना इसको, आई जीरो स्क्वायर अपॉन टू टी जीरो से टी माइनस कोस का क्या होता है साइन, अपॉन टू ओमेगा, कहां से कहां तक है? कैपिटल टी आई जीरो स्क्वायर अपॉन टू टी, ये टी हो गया माइनस साइन टू इंटू टू पाई अपॉन टी इंटू टी अपॉन टू ओमेगा, क्यों टू है तो टू है ओमेगा इज गेट टू पाई अपॉन टी, टू पाई अपॉन टी, टी है टी की जगह लिमिट टी, लिमिट टी अपॉन टू ओमेगा, फिर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्यों मैक्सिमम माइनस है मिनिमम, तो ये हो जाएगा प्लस साइन जीरो अपॉन टू ओमेगा, ये तो आएगा, ठीक है, टी से टी कैंसिल, साइन फोर पाई, साइन फोर पाई की वैल्यू, साइन फोर पाई का मतलब साइन टू पाई प्लस टू पाई, तो साइन थ्री सिक्सटी प्लस थीटा कितना होता है साइन थीटा, तो साइन फोर पाई को आप क्या लिखोगे, वैल्यू निकाल लिया करो, साइन टू पाई प्लस
टू पाई में नो चेंज, चेंज होता है टू पाई के अंदर, नो चेंज, तो साइन टू पाई वैल्यू आएगी इसकी। साइन टू पाई का मतलब है साइन पाई प्लस पाई, दोबारा पाई में नो चेंज, इसका मतलब साइन पाई की वैल्यू जीरो होती है। अब साइन पाई का निकालना, तो साइन 90 प्लस 90, साइन 90 प्लस 90 मतलब चेंज, कोस 90 की वैल्यू जीरो, सीधी सी बात है। तो साइन 4π की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। जीरो होने का मतलब ये पूरी टर्म जीरो हो गई, साइन 4π जीरो प्लस जीरो, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको कि अगले वाली टर्म क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी जीरो, ये वैल्यू आपके पास बचेगी। तो बेसिकली आई एवरेज जो आपके पास आएगा, सॉरी आई आर एम एस जो आएगा, आई जीरो स्क्वायर अपॉन 2t, ठीक है, ये आएगा आपके पास आई आर एम एस इक्वल टू आई जीरो स्क्वायर अपॉन 2t, ठीक है, इनटू टी, टी से टी कैंसिल, आई स्क्वायर आर एम एस है, ठीक है ना, आई स्क्वायर इक्वल टू आई जीरो अपॉन 2, और आई आर एम एस कितना आएगा, आई जीरो अपॉन अंडरूट 2, दोनों तरफ अंडरूट करेंगे, ठीक है, 1 अपॉन अंडरूट 2 की वैल्यू 0.707, तो आई आर एम एस कितना आ गया, या ठीक है, अब बताओ वी आर एम एस कितना आएगा, वी आर एम एस कितना आएगा, वी आर एम एस आई जीरो क्या जाएगा, वी जीरो, फिर सी बात है। तो वी आर एम एस इक्वल टू वी जीरो अपॉन अंडरूट, ठीक है, मतलब वी आर एम एस इक्वल टू वी जीरो इंटू, ठीक है। अब जिसको इंटीग्रेशन नहीं आते वो इन दोनों को भूल जाओ, ये इंटीग्रेशन का जो सिस्टम है ये मैथ में तो चलता है लेकिन बायोलॉजी वालों के 11th क्लास में चलता है। तो 11th क्लास में जिसने नहीं सीखा उसका तो देखो अब क्या इलाज है, बताओ, अब डेढ़ महीना एग्जाम का बचा, डेढ़ महीने में क्या इलाज हुआ बताओ, ये इलाज होता है, ठीक है ना। आपको समझ में आया है नहीं आया वो बाद की बात है, लेकिन समझने से पहले आपको जो चीज़ समझ में आनी चाहिए थी वो आपने समझी ही नहीं, तो उसका तो क्या इलाज आप बताओ। ये बोल रहे हैं ना जो बच्चे बोल रहे हैं फटाफट, ये पढ़ते हैं मेहनत करते हैं, ये घर जाके नींद कौन तोड़े, ये रात काली गिरे यहाँ किताबों का माइन सिद्धिया रखा सारा दिन, दिन के उठाने से आंख का माइन गीड़ मिले और थारी आंख एकदम साफ मिले सगली, सही बात, खत्म है, स्टूडेंट खत्म ही रहेगा, चाहे कितनी कोशिश कर ले खत्म रहेगा, उसकी औकात नहीं है कि वो टॉप कर सके, नहीं है तो नहीं है। किसी को ये बात बुरी लगे तो 100 बार लगे, कचरा पात्र में रहेगा हमेशा, उसको घर में अलमारी के अंदर कोई सजा के नहीं रखता, सीधी सी बात है, ठीक है ना। कमरे के अंदर कोई अपने जब गांव भैंस होती है ना उनका इलाका अलग ही होता है, ठीक है ना, हाँ, तो कचरा ही रहेगा चाहे कितना कैसा भी हो वो, हाँ। वी आर एम एस कितना आया, ठीक है, अब देखो एक मिनट, ये जो ग्राफ आपने बनाई थी, ठीक है ना, इसमें आपका जो करंट है वो कितना ऊपर गया, इतना ऊपर गया करंट पॉजिटिव में, और नेगेटिव में इतना नीचे आया। इसको बोलते हैं वी नोट वोल्टेज के लिए या आई नोट करंट के लिए, ये होता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, ये होती है आई नोट या वी नोट का मतलब है करंट की मैक्सिमम वैल्यू आई नोट और वी नोट की मैक्सिमम वैल्यू वी नोट, ठीक है। अपने घरों में जो बल्ब होता है, बल्ब, ठीक है ना, बल्ब होता है उसके ऊपर 220 वोल्ट -50 हर्ट्ज लिखा मिलता है आपको,
इसका मतलब होता है कि 220 वोल्ट है, ये तो है अपना वोल्टेज कि 220 वोल्ट पे ये बल्ब है, ये लाइट आपको दे सकता है, 220 से कम भी दे सकता है, 220 वोल्ट से फालतू यदि वोल्टेज है तो आपको ये वोल्टेज नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद में 50 हर्ट्ज, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब कि ये 50 बार, मतलब एक सेकंड में 50 बार जलता है और 50 बार बुझता है, मतलब 100 टाइम एक सेकंड में, 100 टाइम अपना जो एक साइकिल पूरा करेगा, इसका मतलब 50 टाइम तो ये जलेगा, 50 टाइम बुझेगा एक सेकंड में, मैंने बोल दिया एक, इतने में 100 टाइम चश्मबुत करेगा, ठीक है, जलेगा और बुझेगा। तो अपनी आंखें हैं वो इनको इस मतलब इतनी फास्ट लाइटनिंग को देख नहीं पाती, ठीक है ना, इसलिए आप बल्ब को जलना और बुझना जो होता है बल्ब का वो आप देख नहीं सकते। उसके बाद में 220 वोल्ट जो है ये आपका VRMS वैल्यू होती है, VRMS इक्वल टू 220 वोल्ट। इंडिया के अंदर जो सप्लाई होती है वोल्टेज की वो 220 वोल्ट होती है, ठीक है, 220 वोल्ट ये इसकी RMS वैल्यू होती है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू वी नॉट इक्वल टू अंडर रूट 2 VRMS 220 मल्टीप्लाई करोगे 311.08 आएगा, 311.08 वोल्ट। वी नोट की वैल्यू आएगी 311.08 वोल्ट, ठीक है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। कहने का मतलब अपने ग्रोह में जो लाइट आती है उसकी मैक्सिमम वैल्यू है 311.08 वोल्ट। कहने का मतलब है कि वी जीरो मतलब 311, इसका मतलब टोटल कितनी होगी 622, 311 पॉजिटिव में, 311 नेगेटिव में कितनी होगी 622, ठीक है ना। इतना वोल्टेज, इतना जो वोल्टेज है वो आपको मिलेगा, मैक्सिमम वोल्टेज इतना मिलेगा, ठीक है ना। अब ये जो बात है ये केवल एसी के लिए है, डीसी के लिए नहीं है। अगर मैं आपको बोल दूं कि 220 वोल्ट की डीसी है आपके पास, इसका मतलब वो 220 वोल्ट ही रहेगा, क्यों, क्योंकि डीसी का जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो उतनी होती है जो जितनी आपको आपको मिलती है। लेकिन एसी है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, डबल 622 मतलब 311 प्लस 311। अब मैं आपको बोलूं कि आपके पास 220 वोल्ट की एक तो डीसी है, एक आपके पास 220 वोल्ट की एसी है, तो डीसी की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 220 वोल्ट और इसकी 622 वोल्ट। तो एसी डीसी से ज़्यादा खतरनाक है, मोर डेंजरस। एसी है वो डीसी से ज़्यादा खतरनाक है। लाइट लगा दें, बस समस्या हमारे ही ये देखो तो टू पार्ट की तो साहब जी आप अब्बा मोटरसाइकिल लेके आऊँ तो भी गलत हो, गलत हो उसको क्या गलत हो साहब, देखो तो इलाज है। अब देखो एक मिनट, डिफरेंट एसी सर्किट, ये मेन टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, ये चैप्टर बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर है, ठीक है। डिफरेंट एसी सर्किट, डिफरेंट एसी सर्किट का मतलब है कि इसमें आपको एक तो मिलेगा आर सर्किट, जब सर्किट में केवल रेजिस्टेंस आर कनेक्ट हो। सेकंड मिलेगा आपको सी सर्किट, जब सर्किट में केवल सी कनेक्ट हो। थर्ड आपको मिलेगा एल सर्किट, जब सर्किट में केवल इंडक्टेंस कैपिटल एल कनेक्ट हो। थर्ड फोर्थ आपको मिलेगा आर सी सर्किट, फिफ्थ मिलेगा आर एल सर्किट, सिक्स्थ मिलेगा आर एल सी सर्किट, आर एल और सी तीनों का कॉम्बिनेशन। इसमें तीन पॉइंट मिलेंगे आपको, एल है वो ज़्यादा हो सी से, सी ज़्यादा हो एल से, या एल इजल टू सी, ठीक है। ये सर्किट कंप्लीट होने के बाद में आगे जो टॉपिक है वो आएगा बैंडविड्थ, जो एग्जाम में आ गया तो चार नंबर का सीधा सीधा आएगा, ठीक है। बैंडविड्थ करने के बाद में टॉपिक आएगा ट्रांसफॉर्मर, ठीक है।
ट्रांसफॉर्मर आप पढ़ोगे तब जाके और आपका ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो अब टॉपिक चलेंगे ये इतने, ठीक है, करना कुछ नहीं है इनमें, इनमें इन सभी में आपको सिर्फ तीन या चार बातें याद रखनी है। फर्स्ट, आपको v इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी मिलेगा और i की वैल्यू आपको निकालनी है, मतलब i की वैल्यू है वो i नोट साइन ओमेगा टी तक आपको निकालनी है। अब इसके आगे प्लस में क्या आता है उससे आपको मतलब नहीं है, v की वैल्यू आपको मिलेगी, i की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। v इज इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी आपको मिलेगा, हर बार मिलेगा, उससे आपको i की वैल्यू निकालनी है। अब r के अंदर i इज इक्वल टू क्या होता है, v अपॉन r, सीधी सी बात है। तो v अपॉन r मतलब v जीरो अपॉन r साइन ओमेगा टी, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज आपको फेज डायग्राम बनाना है, कला आरेख, फेज डायग्राम, ठीक है। फेज डायग्राम ये वेव फॉर्म में आएगा, कैसे आएगा मैं बता दूंगा, इसकी ट्रिक है। थर्ड जो है वो बनाना है आपको फेजर डायग्राम या फेजर फिगर, ठीक है। फोर्थ है वो आपके पास आएगी एवरेज पावर, ठीक है, फोर्थ आएगी आपके पास एवरेज पावर। ये तीन चार मतलब तीन, दो डायग्राम, एक ये एवरेज पावर, ठीक है। ये फेजर डायग्राम और फेज डायग्राम है ये एकदम से ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। तो पहले आप एक काम करो, इन तीनों को समझो कि कैसे कैसे बनते हैं, फिर उसके बाद में आर सर्किट करेंगे, सी सर्किट करेंगे, एल करेंगे, ठीक है, और आर सी आर एल और आर एल सी। आंख महीन तो मोटेरो जान कंठा मा जाएगी थारे, पहले ये तीन तो करो फिर देख अगला, ठीक है। तो डिफरेंट अल्टरनेटिंग सर्किट या अल्टरनेटिंग करंट सर्किट, देखो जैसे वी है, वी की वैल्यू आपने वी की वैल्यू आपको मिलेगी वी नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये आपका डीसी वोल्टेज सोर्स है, डीसी बैटरी है, ठीक है। एसी वोल्टेज सोर्स या एसी बैटरी है उसका सिंबल होता है ये प्लस माइनस, इसका वोल्टेज वी है, इसका भी वी रहेगा, लेकिन इसका वी है वो क्या है, वी नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये एसी का वोल्टेज है वी नोट साइन ओमेगा टी। मैंने आपको बोल दिया 20 वोल्ट की एसी बैटरी लगी है, इसका मतलब ये क्या है, वी जीरो साइन ओमेगा टी है, 20 वोल्ट वी नहीं है, अब वो वी जीरो साइन ओमेगा टी बन गया है, ठीक है। वी की वैल्यू आपके पास ये है, कैलकुलेशन के बाद आपके पास आई की वैल्यू आ गई आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू या प्लस 90, ये कैलकुलेशन के बाद आपके पास आई की वैल्यू आ गई, ठीक है, कैलकुलेशन के बाद आपके पास आई की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो इसके आगे जो ये होता है, ये जो है इसको बोलते हैं फेज एंगल, फेज एंगल प्लस पाई बाई टू है, मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में फेज एंगल कितना है, प्लस पाई बाई टू, ठीक है ना। इसका मतलब करंट है वो प्लस पाई बाई टू फेज एंगल आगे है, प्लस का मतलब करंट आगे है। और किसी भी कंडीशन में आई की वैल्यू आपके पास आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू आ गई, इसका मतलब करंट क्या है, पीछे, कितना एंगल, पाई बाई टू एंगल, ठीक है। इसमें करंट आगे है मतलब वोल्टेज पीछे, जो चीज किसी के आगे होती है तो दूसरी चीज उसके पीछे होती है, तो करंट आगे है मतलब वोल्टेज पीछे, और इसमें करंट पीछे है तो वोल्टेज क्या हो गया, आगे, ठीक है। चलो अब इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाते हैं, चलो ठीक है। ग्राफ मतलब फर्स्ट जो ग्राफ है वो आपकी आएगी फेजर, सॉरी फेज डायग्राम, इनका फेज डायग्राम वेव फॉर्म में बनेगा हमेशा, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वी का विजुअल साइन ओमेगा टी, यह गया वी का डायग्राम, यहां तक टू पाई पाई, यहां पाई बाई टू। अगर आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी होता तो वी के ऊपर आई की ग्राफ आती, भाई वी बराबर विजुअल साइन ओमेगा टी की ग्राफ यही है,
तो आई इजक्ल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी की ग्राफ क्या आएगी, इसके ऊपर ऊपर आएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस फाइव बाई टू है, तो प्लस का मतलब ऊपर, माइनस का मतलब नीचे, तो आई यहाँ से चलेगी और सीधी प्लस फाइव बाई टू पे आएगी। ये ग्राफ है आई की, प्लस फाइव बाई टू का मतलब आई प्लस से चलेगी और डायरेक्ट कहाँ आएगी, प्लस फाइव बाई टू पे। क्यों? क्योंकि करंट है वो फाइव बाई टू फेज एंगल आगे, ठीक है। माइनस फाइव बाई टू है तो वी की ग्राफ सेम रहेगी, सेम रहेगी, और करंट की माइनस ही जाएगी पाई बाई टू पे सीधी, ठीक है। इसके लिए फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम का मतलब होता है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। आपको वेक्टर की फॉर्म में यह बताना है कि आई आगे है, पीछे क्या है, ठीक है। तो यह हो जाएगा इसका फेजर डायग्राम, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वी इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी, इसमें एंगल कितना है ओमेगा टी, इसमें एंगल ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, इसमें एंगल ओमेगा टी है, ये रहा आपका ओमेगा टी, मैक्सिमम वैल्यू वी नोट ओमेगा टी, एंगल बन गया ओमेगा टी। वेक्टर का मतलब होता है एंगल के साथ आपको वी और आई की वैल्यू है वो शो करनी है, ठीक है। अच्छा, इसमें करंट है वो आगे कितना, प्लस वाई बाई टू, मतलब वी जीरो आई जीरो या वी और आई के बीच में एंगल कितना, पाई बाई टू, तो प्लस वाई बाई टू आगे कर दो इसको, ये हो गया आई नोट या आई, ठीक है। अब इसको पकड़ के घुमाएंगे इस तरीके से, तो आई नोट आगे चल रहा है और वी इसके पीछे पीछे आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें आई पीछे है, इसको पकड़ के नीचे कर दो, आई पीछे हो जाएगा, ये आई नोट। अब एंगल कितना हो गया इनके बीच में, माइनस फाइव बाई टू, ठीक है। तो करंट आगे है मतलब ऊपर आएगा, करंट पीछे मतलब नीचे आएगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? ये होता है आपकी वेव फॉर्म में फेजर डायग्राम, सॉरी फेज डायग्राम, और ये होता है फेजर डायग्राम, ठीक है ना, ये होता है फेजर डायग्राम। ये पूछेंगे एग्जाम में सीधा डायरेक्ट, मतलब हर सर्किट के लिए फेज डायग्राम और फेजर डायग्राम और एवरेज पावर तीनों आपको कैलकुलेट करनी है, इन तीनों के नंबर मिलेंगे एग्जाम में, ठीक ना। सीधा डायरेक्ट आपको कोई नहीं पूछेगा। अगर आपने यहां तक कर दिया, वी आपको मिल गया, आई की वैल्यू आपने ये प्रूव कर दी, कोई नंबर नहीं है, जितना आगे पूछेगा उसके नंबर हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। कम से कम तीन नंबर का या चार नंबर का बड़ा क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, और नौ और दस का दोनों चैप्टर मिला के एक यूनिट बनती है, ठीक है। कल करेंगे आर सर्किट।